हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी इस वीडियो में टोटल कवर करेंगे। और टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन की सीमित नियंत्रण निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इस पूरे वीडियो को आप चाहो तो सेट के थ्रू भी लगा सकते हैं। लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन की सीमित नियंत्रण कब हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत पर ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन का आरंभ भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के तहत किसके समय में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ संबंधित जो व्यापार था उसको छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड मिंटो, चार्टर एक्ट 1813, ध्यान रखिएगा चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विधवा विवाह को मान्यता मिला था। विधवा विवाह को पुनः मान्यता जो मिला था वो फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत ये बात कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी। बताइए किस गवर्नर जनरल के समय में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लैंसडाउन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किसके समय में की गई। ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा 35 मोस्ट एमसीक्यू, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम कह सकते थे मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत ये बात कही गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके शासन में हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फिर कह सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में प्रांतों में द्वैत शासन जो कि प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का गठन किसके समय में हुआ था। संविधान सभा का गठन जो हुआ था किसके समय में हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या बनते हैं। डोमिनियन स्टेट की स्वीकृति किसके समय में हुई थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लॉर्ड लीन लिथगो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किस तत्कालिक वायसराय के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा फ्रेंड्स प्रत्येक जो कि विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी, प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ। ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलता होगा, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, आप सभी को पता भी है। पिट्स इंडिया एक्ट फ्रेंड्स 1784 जो था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम बिल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था।
या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसके शासनकाल में फ्रेंड्स ये गीता का अनुवादकार जो थे वो विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से एक चीज़ आपको और याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला जो पेंशन था 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था उसको बंद करवा दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 1774 यानी कि जो कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी इन्हीं के शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जिसके प्रथम फ्रेंड्स मुख्य अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था तो इलिजा इम्फे को बनाया गया था। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति निम्नलिखित में से किसने लागू की थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति जो लागू की गई थी वो की गई थी लॉर्ड करने वालिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर हो जाता है। हम बात करें फ्रेंड्स, लॉर्ड करने वालिस को एक और नाम से जाना जाता है, नागरिक सेवा का जनक के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा सर जॉन सोर ने बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेसली। ठीक है फ्रेंड्स, 1800 में कोलकाता में जो कि इसकी स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। साथ ही साथ याद रखिएगा जो लॉर्ड वेलेसली, इनको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, तो सहायक संधि की पद्धति शुरू करने के लिए काफ़ी चर्चा में थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेसली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। खुद को बंगाल का शेर कहा करता था कौन सा गवर्नर जनरल, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलेजली। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलेजली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि अमृतसर की संधि जो थी वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, या फिर ये भी पूछा सकता है कि किनके किनके मध्य हुई थी। तो यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल क्या था, 1807 से 1813 तक। ठीक है, चार्टर एक्ट जो 1813 था इन्हीं के शासनकाल में हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ था। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, किसके समय में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि 1816 के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगोली की संधि 1816 जो था वो किसके समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल क्या था, 1813 से 1823। और यहां से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट्स याद रखिएगा, पिंडारियों के दमन के लिए किसे जाना था, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट इन्होंने ही किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और थर्ड पॉइंट आप एक और याद रखिएगा, 1822 में टेनेसी एक्ट जो लागू हुआ था तो वो भी इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट्स भी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ को। ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। तो हम लोग यहाँ से ईस्वी से ही क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1852 यानी फ्रेंड्स कह सकते थे उस समय जो शासन था वो लॉर्ड डलहौजी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम ए को यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहावी आंदोलन के दमन के लिए किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड एलगन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, भावी आंदोलन के दमन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता मद्रास मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मद्रास और मुंबई, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर बम्बई होना चाहिए था, बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वेपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स आया था? इस क्वेश्चंस के बारे में आपको क्या बताऊं? आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आपको देखने को मिला होगा। तो फिलहाल अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिससे फ्रेंड संदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, जिसे संदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस को जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस से एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत की गई थी 1865 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुआ था 1872 में, जो कि फ्रेंड्स अंग्रेजों के समय में हुआ था, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन फ्रेंड्स, प्रत्येक 10 साल पे जो नियमित जनगणना बना दिया गया वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से नियमित कर दिया गया था प्रत्येक 10 वर्ष पे, जो अभी भी आप देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर फिलहाल बी होगा, राइट आंसर ऑप्शंस बी, राइट आंसर लॉर्ड मेयो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नॉर्थ ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वर्नाकुलर पेस एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वर्नाकुलर पेस एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि वर्नाकुलर पेस एक्ट को जो लागू किया गया था वो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ठीक है, और अगर इसको रद्द करने की बात की जाती है तो रद्द इसको लॉर्ड रिपन ने किया था, तो यहाँ से दोनों का संबंध इससे हो जाता है। और एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा रद्द किसने किया था या फिर लागू किसने किया था, तो आप उसको समझ करके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लागू यानी कि लिटन और रद्द यानी कि रिपन, दोनों को आप देख सकते हैं, ल से लागू, ल से लिटन, और र से रद्द, और र से रिपन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1881 में प्रथम जो कि कारखाना अधिनियम लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम जो था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लॉर्ड रिपन को फ्रेंड्स जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने जो कि भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड कई पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1905 का बंगाल विभाजन से साथ ये संबंध है लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना के समय भी फ्रेंड्स लॉर्ड जो कि कर्जन ही थे, तो ये दोनों पॉइंट्स के साथ साथ आप याद रखेंगे जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा लंबा खींचना पड़े। ठीक है, तो बताइए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ऊपर ऊपर में, जो आपको मैंने जो अभी आपको बताया उसको आप याद रखेंगे क्योंकि वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एमसीक्यू में करा रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। अब बात करते हैं कि लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल क्या था, तो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से लेकर के 1926 तक, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था 1923 में, और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, तो ये सभी कह सकते हैं कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में घटित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, यानी फिर कह सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन करेक्ट आंसर है। लॉर्ड इरविन का शासनकाल क्या है,
1926 से 1931, ठीक है। इससे जुड़ी हुई दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इन्हीं के शासनकाल में रखा गया था, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, आपको पता है 1942 में, ठीक है। और लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल क्या था, 1936 से लेकर के 1943 तक। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय जो कि कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवेल, ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेवेल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या, शारदा अधिनियम 1930 का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से है। शारदा अधिनियम 1930 का संबंध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन। मैंने आपको बताया था लॉर्ड इरविन का शासनकाल क्या था, 1926 से 1931, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1930, तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम, या फिर कहें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारतीय होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, राजगोपाल चारी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे वो भी कमेंट्स करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।